वेलकम टू जी के वर्ल्ड। एसएससी जीडी एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, अभी फिजिकल एग्ज़ाम है, मेडिकल एग्ज़ाम है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे आपके, तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ भी और एक थोड़ी सी निराश करने वाली न्यूज़ भी आज आपको यहाँ पर हम देंगे। वेलकम टू जी के वर्ल्ड। देखिए, आज हम आपके लेकर आए हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस और बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कंफर्म कर दें कि ये 24 तारीख आज का ही जो है डिक्लेयर हुआ है, ये एसएससी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर किया। आप इसको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि फेक न्यूज़ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दें कि इन्होंने ये साफ अपने फर्स्ट पॉइंट में कराया है कि 2018 के जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम हुए थे उनका जो रिजल्ट है इन्होंने 20 तारीख को डिक्लेयर कर दिया। तो हाँ भैया, ये तो बिल्कुल ठीक है। सेकेंड पॉइंट भी इन्होंने क्या कन्फर्म कर दिया है कि जो आपके फिजिकल एग्ज़ाम होने हैं वो अगस्त से सितंबर के बीच होने हैं। तो अगस्त से सितंबर के बीच होने हैं आपके फिजिकल एग्ज़ाम, ये भी क्लियर हो गया। इन्होंने साथ साथ ये भी बोला है कि ये जो एडमिट कार्ड इशू करेंगे उसके साथ इनको क्या, एक तो बोला इन्होंने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, वो भी कलर फ़ोटो। ठीक है, याद रखें पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो है और विथ नेसेसरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी जो ये जब ये आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके साथ ये बताएंगे कि इनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल भी ले जानी और विथ फ़ोटो स्टेट, यानी आपको फ़ोटो कॉपी भी करा के ले जानी और ओरिजिनल भी लेकर जाना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने, एक फ़ोटो आईडी भी बोली है, आपको फ़ोटो आईडी आपके पास होनी चाहिए, चाहे लाइक आपके पास आधार कार्ड हो या फिर कुछ और भी हो, आप उसे ले जा सकते हैं। ठीक है, प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड जो ये इशू करेंगे वो भी, और इसके साथ भी जो भी एडमिट कार्ड, अगर एडमिट कार्ड में जो भी ये इंट्रेक्शन देंगे, जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वहाँ पर आपको ले जाने। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाने, नहीं, हमने आपसे पहले ही बोला था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे। देखिए, थर्ड पॉइंट में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर आप जब ये फोर पॉइंट देखेंगे ये थोड़ा सी आपको निराश कर सकता है। देखिए, इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि आप रिक्वेस्ट यानी डाटा फिल, जो भी आपने अप्लीकेशन फॉर्म भरते समय डाटा फिल किया था, जैसे कि कैटेगरी है, जेंडर है और फिर आपके डोमिसाइल यानी आपके एड्रेस प्रूफ है या फिर डिस्ट्रिक्ट एटीसी जो है, नॉट बी चेंज, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये चेंज नहीं किया जाएगा, और पीएसटी जो है फिजिकल बोर्ड तो बिल्कुल भी ये चेंज नहीं कर सकता है, यानी आपका डाटा चेंज तो अभी नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो ये थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि फिजिकल एग्जामिनेशन में आपका कोई भी डाटा चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो डाटा तो फिलहाल कोई चेंज होने नहीं वाला है, और फिजिकल एग्ज़ाम के जस्ट बाद क्या होता है आपका, या तो मेडिकल एग्ज़ाम होगा या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मोस्टली याद रखिएगा, मेडिकल एग्ज़ाम होगा। आपको ये सभी प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट हो सकती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि इन्होंने क्लियर कर दिया है कि किसी प्रकार का कोई भी डाटा चेंज नहीं करेंगे, और फिजिकल बोर्ड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जो आपका फिजिकल लेने वाला है बोर्ड, वो तो बिल्कुल भी आपका किसी प्रकार का कोई डाटा चेंज नहीं कर सकता। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि कोई भी समस्या अगर आपको है तो इसका जो सॉल्यूशन ये कुछ निकालेंगे, लेकिन इन्होंने कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाला। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी कैटेगरी गलत है, जेंडर गलत है, स्टेट गलत है, तो इन्होंने साफ बोल दिया है कि इस तरह का कोई भी डाटा जो है चेंज नहीं किया जाएगा। तो एक थोड़ी सी निराश करने वाली न्यूज़ है। देखिए आगे ये क्या प्रोसेस करते हैं, भाई बहुत सारे लोगों का गलत है तो कोई ना कोई ये प्रोसेस ज़रूर निकालेंगे, लेकिन अभी तो ये क्लियर कर दिया इन्होंने कि फिजिकल एग्ज़ाम में आपका कोई भी डाटा तो फिलहाल चेंज होने वाला नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, पैट एंड पीएसटी बोर्ड विल बी नॉट, ठीक है, एनी रिक्वेस्ट इन द डाटा, यानी कोई भी डाटा जो एंटर जो आपका किया आपने उसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो थोड़ा सी आपको अब यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, हो सकता है कि आगे ये कुछ जो चेंजेस करे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका फिजिकल एग्ज़ाम होता है यहाँ पर कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है और आपका जेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, तो इस तरह का डाटा चेंज करना थोड़ा सी मुश्किल होता है इनके लिए। तो इस तरह का डाटा अभी आपका कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, ये एक बड़ा इशू है। देखिए अगर आपकी कैटेगरी गलत है तो फिर वहाँ पर आपको उसी कैटेगरी में एग्ज़ाम देना पड़ेगा या फिर कुछ नए इशू आएंगे। आपका जेंडर गलत है तो जेंडर में भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यानी अभी आपका कोई भी डाटा जो है चेंज करने वाले ये नहीं है। आगे जो भी प्रोसेस होगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो फिजिकल एग्ज़ाम आपको ऐसे ही देना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या इश्यूज़ आते हैं वो आप मुझे बताइएगा, लेकिन ये कंफर्म कर दिया इन्होंने कि अभी ये कोई भी डाटा चेंज नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये न्यूज़ अच्छी लगेगी, अगर लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। देखिए ये न्यूज़ थी,
मानता हूँ कि थोड़ी सी गलत है, लेकिन ये एक न्यूज़ है, प्लीज़ इसको न्यूज़ की तरह रखिए। आप पर्सनली ले लेते हो, मुझे ही उल्टा सीधा कहने लगते हो, ये गलत है, ठीक है। ये एक न्यूज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए कि अभी आपका कोई भी डाटा चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, आगे कोई प्रोसेस अगर निकलता है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में, अगर ये चेंज नहीं करते हैं तो ये आपको बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना डाटा गलत फिल्ड किया है। तो आगे कुछ चेंजेस ही जरूर करेंगे। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आए, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।